हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुष्मिताज हैप्पी लैंड। आज मैं बनाने जा रही हूँ इल्शा भापे, और इसके लिए क्या क्या चाहिए चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने फिश ले लिया है नमक हल्दी लगा के, ये है पॉपी सीड्स, व्हाइट मस्टर्ड सीड्स, ग्रीन चिली, और इन दोनों को मैंने यहाँ पे 20 मिनट तक भिगो के रख दिया है। भिगोने के बाद इसे मैंने अच्छी तरीके से एक पेस्ट बना लिया है। कढ़ाई को गर्म करने के बाद इसमें मैं मस्टर्ड ऑयल डाल दूंगी। मस्टर्ड ऑयल थोड़ा सा गर्म होने के बाद इसमें मैं कलौंजी ऐड कर दूंगी। उसके बाद मैं पॉपी सीड्स और व्हाइट मस्टर्ड और ग्रीन चिली का जो पेस्ट था वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। एक ग्रीन चिली को तोड़ के इसमें डाल दूंगी। इस पेस्ट में थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दूंगी और इसे अच्छे तरीके से मिला लेना है। ग्रेवी जब थोड़ा सा उबलना स्टार्ट कर दे उसमें मैं नमक और हल्दी डाल दूंगी। डालने के बाद इसे थोड़ा सा हिलाना है, और हिलाने के बाद इसमें आप एक एक करके फिश ऐड करते जाइए। फिश ऐड करने के बाद ऐसे ही आप इसे 10 मिनट तक पकने दीजिए। 10 मिनट बाद जब ग्रेवी उबलना स्टार्ट हो जाए तो आप इसमें रॉ मस्टर्ड ऑयल डाल सकते हैं। डालने के बाद ये रेडी टू सर्व है। आप इसे मॉनसून में एंजॉय कर सकते हैं राइस के साथ।